हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्वल पाठक और आप इस समय मेरा यूट्यूब चैनल पाई गुरु देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन से रिलेटेड कुछ ईस्टर एग्स के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला है हमारा चार ईस्टर एग्स के बारे में बात करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेरा है हेलो वर्ल्ड। ओके, तो सपोज आप करना चाहते हैं कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें जो पहला सेंटेंस हम लिखते हैं प्रोग्रामर के तौर पे या कोडिंग जब स्टार्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हेलो वर्ल्ड। ओके, पाइथन में एक ईस्टर एग है, अगर आप इम्पोर्ट करें हेलो, ओके इम्पोर्ट हेलो एंड देन प्रोग्राम को रन करें तो ये आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा बाय डिफॉल्ट। ओके, तो देखिए बिना आपने प्रिंट फंक्शन यूज़ किए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लिया। ओके, तो अगर आप इम्पोर्ट हेलो करते हैं, ध्यान रखिए यहाँ डबल अंडरस्कोर है, हेलो पहले डबल अंडरस्कोर एंड डबल अंडरस्कोर हेलो के बाद है, तो हेलो से पहले डबल अंडरस्कोर एंड बाद में लगाते हैं तो ये आपको हेलो वर्ल्ड बोलेगा। ओके, तो ये एक ईस्टर एग था छोटा सा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ईस्टर एग की तरफ। ये है ब्रेसेज। ध्यान रखिए कि जब हम सी या सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ा हो तो ध्यान वहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं कोड लिखने के लिए। ओके, ब्लॉक लिखने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, बट पाइथन में इंडेंटेशन का यूज़ होता है। ओके, तो पाइथन में इस ब्रेसेस को आप कह सकते हैं चिढ़ाने के लिए एक चीज़ है। अगर आप करते हैं फ्रॉम फ्यूचर इम्पोर्ट ब्रेसेस करते हैं। ओके, इसका मतलब है कि अगर आप जानना चाहते हैं कभी फ्यूचर में पाइथन में ब्रेसेस यानी कर्ली ब्रेसेस का यूज होगा तो ये आपको एक बहुत अच्छी सी एरर देगा। देखते हैं, सिंटेक्स एरर नॉट अ चांस। ओके, इसका कहने का मतलब है अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कभी इंडेंटेशन की है ब्रेसेस का यूज़ हो यानी कर्ली ब्रेसेस का, तो ये आपको कह रहे हैं नॉट अ चांस यानी ये कभी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो एक छोटा सा ईस्टर एग था। पढ़ते हैं अगले ईस्टर एग की तरफ। ये है जेन ऑफ पाइथन। तो सिंपली अगर आप करते हैं इम्पोर्ट दिस, ओके, तो इम्पोर्ट दिस के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं जो बताते हैं कि हमें अपने पाइथन प्रोग्राम को किस तरीके से लिखना चाहिए। तो अगर आप एंटर करते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इसका जेन लिख कर आएगा किस तरीके हमें पाइथन प्रोग्राम बनाने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर लिखिए द जेन ऑफ पाइथन बाई टिम पीटर्स। ओके, इसको टिम पीटर्स लिखा था। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, ब्यूटीफुल इज़ बेटर देन अगली, एक्सप्लिसिट इज़ बेटर देन इम्प्लिसिट, सिंपल इज़ बेटर देन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इज बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड, फ्लैट इज़ बेटर देन नेस्टेड, स्पार्स इज बेटर देन डेंस, रीडेबिलिटी काउंट्स। ओके, तो ये पाइथन से आपके प्रोग्राम्स रिलेटेड कुछ बातें लिखी गई हैं, इनको फॉलो कीजिए तो आप प्रोग्राम्स अच्छा बना सकते हैं। ओके, सिंपल बनाइए। ओके, तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, तो आप इसे पूरा कर पढ़ सकते हैं इम्पोर्ट दिस करके। ओके, सिंपली एंड देन जो फाइनल ईस्टर एग है पाइथन में एक और चीज़ है, ये अगर आप करते हैं इम्पोर्ट एंटी ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी, तो ये आपको एक पेज पे ले जाएगा। उस पेज को देखिए, वो एक कॉमिक पेज है। ओके, तो चलिए देखते हैं कहाँ पर जाते हैं। इम्पोर्ट एंटी ग्रेविटी हमने किया है एंड देन हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हुआ एंड हम xkcd.com या एक वेबसाइट है, यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे अपने आप। ये कॉमिक बुक कॉमिक वेबसाइट है, यहाँ पर सबसे पहली बार पाइथन का रेफरेंस आया था। देखिए ये यहाँ पर एक कॉमिक के पार्ट तरीके लिखा गया, यू आर फ्लाइंग हाउ पाइथन। ओके, आई लर्न इट लास्ट नाइट, एवरीथिंग इज सो सिंपल, हेलो वर्ल्ड इज जस्ट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आई डोंट नो डायनेमिक टाइपिंग, वाइट स्पेस, कम ज्वाइन अस प्रोग्रामिंग इज अगेन अगेन इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड अपीयर, बट हाउ आर यू फ्लाइंग, आई जस्ट टाइप इम्पोर्ट एंटी ग्रेविटी, दैट्स इट। तो ओके, तो ये एक कॉमिक वेबसाइट है, यहाँ आप आगे की और पीछे कुछ और चीज़ें हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इन्हें। तो ओके, तो ये पाइथन से रिलेटेड कुछ ईस्टर एग्स थे, चार बेसिकली मैंने बताया, कुछ और हैं बट वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने सिर्फ चार बताए। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।